हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। आज के क्लास में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। मैं गूगल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ और उनके ऑफिशियल पेज पे चले जाते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे हमें दो लिंक्स दिखाई देंगे, एक है माइक्रोसॉफ्ट 365 और दूसरा है हमारे पास ऑफिस। तो दोनों जो है वो हमें सेम लोकेशन पे लेके जाएंगे। मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इधर लिखा हुआ है कि टाइटल में आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। ओके, तो इसके अंदर जैसे ही हम ऑफिस के पेज पे आएंगे तो हमें इधर चार ऑप्शंस मिलेंगी, पर्सनल एंड फैमिली, बिजनेस, एंटरप्राइज एंड एजुकेशन। सिमिलरली अगर 365 के ऊपर हम चले जाए तो इधर भी हमें वही चार ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं पर्सनल एंड फैमिली पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो ये है कि हम इसको ईयरली बाय करें, तकरीबन $100 पर ईयर हमें कॉस्ट आएगा, या मंथली बाय करें इसको तो तकरीबन $10 पर मंथ हमारे पास कॉस्ट आएगा इसका। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट 365 को बाय करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे पास एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, टीम, वन ड्राइव और एडिटर आ जाएंगे। इसके अलावा हम 365 को टैबलेट, पीसी और मोबाइल सब पे यूज़ कर सकते हैं, और जो विंडोज़ है हमारे पास, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, सब के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो है फॉर होम हमारे पास सोल्यूशन, और बिजनेस पे आके हमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। एक है माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस बेसिक, एप्स फॉर बिजनेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड बिजनेस प्रीमियम, और सब के जो है वो डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। आप इनको रीड करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और ऑप्शन है इधर, अगर एजुकेशन पे हम चले जाए तो एजुकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है उसने एजुकेशन के लिए इसको फ्री रखा हुआ है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है। आपने अपना रजिस्टर्ड जो ईमेल एड्रेस है, जो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या स्कूल में रजिस्टर्ड है, उसको एंटर कर देना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, तो आपको लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपने ऑफिस 365 को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक्सेस किस तरह करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको आपका एक्सेल मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास इधर ये लिंक आ गया। या सिंपल तरीका ये है कि आप सर्च में एक्सेल लिख दें तो आपके पास एक्सेल जो है वो शॉर्टकट में आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आएगा जिसमें आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे जो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम फ्यूचर में देखेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको यूज़ करेंगे। अभी के लिए हमें ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो इसको क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम देखेंगे, ये रिबन्स को देखेंगे, मेन्यूज़ को देखेंगे, एक एक करके। आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।